बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ एक्सरसाइज 19.1 के नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से हम अपनी वीडियो पर जाते हैं। हमें पार्ट जो करना है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है, बी मल्टीप्लाई ए करना है। आंसर दोनों का नॉट इक्वल आएगा, हमें ये चीज़ शो करके बतानी है। तो सबसे पहले मैं ए बी लेता हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यूज हमारे को दी हुई है 8, 2, 2, 2, 1, 3, -1, 2, 0। ए मैट्रिक्स लिखा, फिर उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स लिखना है 1, 2, 0, 4, 5, 4, -4, 7, -3। आपने मैट्रिक्स लिखा। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझाई है कैसे करनी है। मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, कॉलम काउंट करनी है। तीन कॉलम है, तीन दफ़ा इस मैट्रिक्स को आपने कॉपी कर देना है। 8, 2, 2, 2, 1, 3, -1, 2, 0। एक दफ़ा हो गया, फिर 8, 2, 2, 2, 1, 3, -1, 2, 0। एक और दफ़ा कॉपी करना है। ए आपके पास जगह ना हो तो आपको नीचे बताया नीचे करोगे, सही है। आपके पास जगह है तो आप उसको आगे भी कर सकते हो, -1, 2, 0। मैंने तीन दफ़ा कॉपी किया। हर नंबर के बाद आपने मल्टीप्लाई के साइन को लिख लेना है, सही है। हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई के साइन आपकी आ गई। ये हर जगह मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई के साइन लगाता गया। उसके बाद फिर आपके पास आगे क्या है, ये हो गया। अब आगे आपने क्या करना है, रॉ सबसे पहले। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज रह गई, यहां पर पहली लाइन को छोड़ देना है। यहां जहां कोई साइन नहीं है पहली लाइन को छोड़ने के बाद, वहां पर आपने प्लस की साइन को लिखना है। पहली लाइन छोड़ दी, प्लस आ गया हर जगह, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, 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 सही है। अब आपके पास क्या है, कॉलम के नंबर को रॉ में इंसर्ट करना है। देखो 1, 2, 0 दिया हुआ है, आपने लिखा 1, 2, 0। फिर आपको दिया हुआ है 4, 5, 4, -4, 7, -3। क्लियर है। आपने वैल्यूज ऊपर जो कॉपी किए वही आपने नीचे भी कॉपी कर दी। ये हो गया 4, 4, 5, 5, 4, 4, -4। जो नंबर ऊपर नज़र आ रहा है मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको नीचे कॉपी किया। जब लास्ट नंबर लिख लूँगा मैं मैट्रिक्स क्लोज करूँ, या पहले भी क्लोज कर सकते हो आप। सिंप्लीफाइड करता हूँ, 8 1 8, 2 2 4, 1 0 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2, 3 2 6, 0 1 0, 0 0 0, 8 4 32, 2 5 10, -1 4 4, 4 2 8, 5 1 5, 4 2 8, 4 2 8, 3 5 15, 0 4 0। उसके बाद 8 4 32, 7 2 14, --+1 3 3, 8 2 16, 7 1 7, 3 2 6, 4 2 8, 7 3 20, 3 0 0। अब हम लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन जो भी आ रही है वो लिख देते हैं। 8 में 8 + 4 12, 2 + 2 4, 6 + 2 8। आगे बढ़ते हैं, 32 + 10 = 42, 42 में से 4 माइनस होगा आपके पास 38, 8 + 5 = 13, 13 + 8 = 21। यहाँ पर माइनस का 8 है ये आपका, सॉरी माइनस का 8 नहीं है, यहाँ पर आपका प्लस का 8 ही है, सही है ये। फिर 8 + 15 = 23, यहाँ पर पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 14 + 3 = 17, 17 में से आपने 23 माइनस करना है, 23 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 बचेगा। फिर यहाँ पर -16 + मर्जी आप पहले किसी को भी सॉल्व करो, मैं 16 7 सॉल्व कर रहा हूँ तो -++ रफ कर लेना अगर आपको डाउट हो तो। -++ 16 में से आप 7 माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा कितना, 3 6 9, माइनस का 9 क्योंकि ग्रेटर नंबर। फिर आपके -6 दे रहे हैं तो ये हो गया -15। आखिरी 21 में से अगर आप 8 माइनस कर देते हो तो 21 में से 8 माइनस करके आपके पास बचेगा 14, सही ना। 21 में 14 जाएगा, 14 बचेगा आपका, सही है, नहीं 14 नहीं 13 बचेगा, सॉरी। तो ये आपका माइनस होके जो आया, सही। ग्रेटर नंबर की साइन है ये, 21 के साथ जो साइन है वो। ये आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। आगे स्टेप करेंगे, अब की बार आपने बी को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। अब की बार क्या करूँगा, बी मल्टीप्लाई बाय ए करूँगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ बी ए, ठीक है। देखो सवाल में आपको बी ए करना था, b की वैल्यू लिखूंगा 1, 2, 0, 4, 5, 4, -4, 7, -3। a की वैल्यू क्या है, 8, 2, 2, 2, 1, 3,
माइनस वन टू और ज़ीरो, ये आपने वैल्यू लिख दी। उसके बाद आखिरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी। अच्छा जी, क्या हो गया आपका, ज़ीरो, सही, मैट्रिक्स क्लोज हो गया। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको वही तरीका, तीन कॉलम है, तीन दफ़ा आपने इसको कॉपी करना है, वन टू ज़ीरो फोर फाइव फोर माइनस फोर सेवन माइनस थ्री, वन टू ज़ीरो माइनस फोर फाइव फोर माइनस फोर सेवन माइनस थ्री, एक दफ़ा, दो दफ़ा और तीसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा भी कॉपी कर लेते हैं। देखो आपके पास भी जगह नहीं हो तो आप नीचे ही करोगे, सही। फिर उसके बाद हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन आएगी आपकी, मल्टीप्लाई लगा दी हर किसी के बाद, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद पहली लाइन को छोड़ के जहाँ पर भी आपको साइन नजर ना आए वहाँ आपने प्लस लगाने को, माइनस लगी भी नहीं लगाऊंगा, पहली लाइन पे कुछ नहीं, प्लस की साइन यहाँ नीट थी यहाँ पे लगा दी, यहाँ पर मैंने प्लस है, ये सही, माइनस फोर नहीं है, यहाँ पर माइनस फोर है एज इट इज, प्लस प्लस फोर प्लस फाइव प्लस फोर, यहाँ माइनस की साइन है एज इट इज, सही। आगे नंबर यहाँ पे देखो किस तरह, एट टू टू, कॉलम का नंबर रॉ में पुट किया, यहाँ पर भी सेम टू वन थ्री है, टू वन थ्री, आखिर में क्या है, माइनस वन टू ज़ीरो, जो नंबर आपको ऊपर नजर आ रहा है वही नंबर आपने नीचे भी कॉपी करते जाना है, क्लियर है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो माइनस वन टू टू ज़ीरो ज़ीरो, ये आपका मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब आपने सिंप्लीफाइड करके आंसर लिखने, आगे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, देखो वन एट ज़ा एट, फोर टू ज़ा एट, फिर माइनस फोर टू ज़ा एट, नीचे एट टू ज़ा सिक्सटीन, फिर प्लस फाइव टू ज़ा टेन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, एट ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फोर टू ज़ा एट, माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स, फिर वन टू ज़ा टू, फोर वन ज़ा फोर, माइनस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब इस लाइन पे आ जाऊँगा, टू टू ज़ा फोर, फाइव वन ज़ा फाइव, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, फिर थर्ड लाइन में ज़ीरो टू ज़ा ज़ीरो, फोर वन ज़ा फोर, माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन, ये वाली लास्ट लाइन में प्लस माइनस माइनस, वन वन ज़ा वन, फोर टू ज़ा एट, फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, टू वन ज़ा माइनस टू, फाइव टू ज़ा टेन, फिर ज़ीरो, फिर माइनस वन, फोर टू ज़ा एट, ज़ीरो, ये आपने क्लोज कर लिया, सही है। आगे आ जाते हैं यहाँ पर, देखो एट से एट कर दिया, सिक्सटीन प्लस सेवन, सिक्सटीन प्लस टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी में से आप फोर्टीन माइनस करोगे, सिक्सटीन प्लस टेन आपका ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर्टीन, तो ये आपका आ जाएगा फोर्टी। अच्छा, यहाँ पर पहले में आपका एट आ रहा है, सेकंड में फोर्टी आ रहा है, एट माइनस सिक्स टू, यहाँ पर फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स, फोर प्लस नाइन, फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन प्लस ट्वेंटी वन थर्टी, नाइन माइनस फोर माइनस फाइव, एट माइनस वन सेवन, टेन माइनस टू एट, एट माइनस वन सेवन, तो ये आपका बी ए आ गया। अब देखो दोनों आंसर को देखो, ये रहा बी ए का आंसर, ये रहा ए बी का आंसर, बिल्कुल दोनों एक दूसरे से अलग है। मैं आपको यहाँ पर आंसर देखो अगर आ जाता, ये रहा ये आंसर को मैंने सामने लिया आपके पास। अब देखो ये रहा बी ए का आंसर और ए बी का, दोनों आंसर बिल्कुल अलग है। जब दोनों आंसर अलग है तो आपने क्या किया, प्रूफ्ड, क्या प्रूव्ड हुआ आपका, ए बी और बी ए दोनों क्या है, नॉट इक्वल, आपने नॉट इक्वल के साइन बना के लिख दिया कि दोनों का अनइक्वल आंसर, क्लियर है। तो यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सेवन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन की होगी, स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो को लाजमी आप वॉच करिएगा, पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। एग्जाम के वक्त अगर आपने अभी एक्सरसाइज समझी होगी तो उस वक्त आपको प्रैक्टिस करने की या टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस वक्त आपने सिर्फ हल्की से रिविजन करोगे और इंपॉर्टेंट सवाल को प्रैक्टिस करोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मास्टर कोचिंग सेंटर के पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।